हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे कैसे एक IRA-FZ44N MOSFET की मदद से एक DC रेगुलेटर बनाया जाता है। अगर आपके पास DC फैन है, वो हाई करंट लेता है, तो ये MOSFET बहुत ही काम पे आएगा। इस MOSFET का पहला वाला जो पिन है वो गेट है, मिडिल में ड्रेन, थर्ड में सोर्स है। गेट करंट को बायसिंग करने के लिए, ड्रेन से आपका करंट इनपुट होगा, सोर्स से आउटपुट मिलेगा। तो पहला वाला जो पिन है वो गेट और ड्रेन वाला जो पिन है, दोनों को एक आपका कंट्रोलर लेके उसके साथ लगा देना पड़ेगा। ये 100 के कंट्रोलर ले सकते हो और सोर्स जो है उससे आउटपुट होगा। और ये जो आपका कंट्रोलर है उसका लास्ट में जो है ब्लैक वाला, उससे आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये दोनों जो वायर है आउटपुट के लिए, अभी इनपुट देंगे। तो ये जो ब्लैक वाला जो वायर है ये इनपुट के लिए, ये आपको लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा। और ये रेड वाला जो है ये पावर इनपुट जो आपको लगेगा ड्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं और देखो मिडिल में जो पिन है आपका वॉल्यूम कंट्रोल जो कंट्रोलर है उसका आपका गेट, मतलब कि वो वाइसिंग होगा। और ये रेड वाला जो, तो रेड और ब्लैक जो है वो आउटपुट के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक DC फैन लेंगे और उसको कंट्रोल करके देखेंगे कैसे काम करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा ये सर्किट है। और ये अगर आपके पास फैन है वो हाई करंट लेता है, अगर दूसरा कुछ रेगुलेटर बनाता है वो कट जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो ये MOSFET को यूज़ करके बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसको ऑन करके कंट्रोल करके पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये स्लो भी मूव कर रहा है और बहुत फास्ट भी मूव कर रहा है, मतलब कि ये MOSFET आपका हाई करंट आउटपुट देता है, ठीक है। अगर आपका ये कंट्रोलर जो है वो उल्टा काम कर रहा है, तो आपका ये जो कंट्रोलर है उसका कनेक्शन उल्टा करके देने से ही चल जाएगा। और ये जो ब्लैक वाला वायर है, इस यहाँ पे आप एक बायसिंग के लिए एक रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, वो ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल जीरो में सेट नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने यहाँ पे एक 100 के रेजिस्टेंस को यूज़ किए हैं जो नेगेटिव वायर है उसकी जगह पे, अगर आप बिल्कुल स्लो मूव नहीं करवाना चाहते हो तो आप ये रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। देखो दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो में तो कोई स्पीड नहीं कंट्रोल करता है, तो ये रेजिस्टेंस को आप यूज़ कर सकते हो। 100 के यूज़ कर सकते हो, 50 के, 47 की भी यूज़ कर सकते हो, वो नेगेटिव वायर के साथ, ये सिर्फ आपका बायसिंग के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है अभी, ये देखो ये हाई स्पीड में जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल हीट नहीं होगा, मगर हाँ यहाँ पे MOSFET आपका हीट हो सकता है। तो थोड़ा टाइम घूमने के बाद इसे भी हम चेक करेंगे। तो इसको आप बंद कर दिए। हाँ दोस्तों, MOSFET आपका हल्का हल्का हीट हो रहा है, मगर इसका जो करंट है ये हमने 2 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर से चला रहे थे, तो हीट सिंक लगाएंगे। और मेरे पास 12 वोल्ट 26 एम्पेयर का एक बैटरी है, उससे भी फैन को चला के देखेंगे वो कैसे काम करता है और हीट कितना होता है। वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को यूज़ किया है, देख सकते हो ये जो फैन है हमने यहाँ पे लगा दिया है। वैसे दोस्तों ये जो फैन है ये सोलर से चलता है, ठीक है। तो ये जो MOSFET है हमने हीट सिंक लगा के दे दिए, और ये कंट्रोलर भी देख सकते हो, और ये कंट्रोलर जो बहुत सही काम कर रहा है। और ये ग्रीन वाला जो वायर है ये जा रहा है आपका नेगेटिव वायर बायसिंग के लिए। 100 के एक रेजिस्टेंस दे के हमने इसे सेट किए हैं, अगर आप चाहो तो 40-50 के भी दे सकते हो, क्योंकि हमें बिल्कुल 0 वोल्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लो मूवमेंट भी नहीं चाहिए। तो इसे ऑन कर लेते हैं। ये स्लो है और ये फास्ट मूव कर रहा है। दोस्तों ये सर्किट जितना सिंपल है उतना ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करता है और काफ़ी सस्ता में मिल जाएगा, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। दोस्तों इस तरह का कोई वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे में इस वीडियो को लेकर के सवाल पूछ सकते हैं। और इस टाइप का वीडियो आपको पाने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।